Hey everyone, welcome to Rewind Stars. आज हम बात करेंगे इंडिया के वन ऑफ द हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर की जर्नी के बारे में। कैसे आशिकी 2 की आरोही एक क्यूट और सिंपल लुकिंग गर्ल से आज इतनी सेक्सी और हॉट कैसे बन गई। एवोल्यूशन ऑफ श्रद्धा कपूर। गाइस, श्रद्धा ने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत साल 2010 में आई थ्रिलर फिल्म तीन पत्ती से की थी। Said, तुम भूल रहे हो कि मैं जीनत हूं, नॉट अप्पू, यू नो, और जीनत जो करना चाहती है ना करती है, समझे? अबे हट, चमेली को ना भीड़ पसंद नहीं। 18 करोड़ में बनी ये फिल्म 7.63 करोड़ की कलेक्शन करके फ्लॉप हो गई। इनफैक्ट इस फिल्म में श्रद्धा के फादर शक्ति कपूर ने भी काम किया था। एक इंटरव्यू के दौरान शक्ति कपूर ने यह भी बताया था कि श्रद्धा सिर्फ 16 साल की थी जब उन्हें सलमान खान के अपोजिट लकी फिल्म में लीड रोल ऑफर किया गया था। इस फिल्म का मुझे सिर्फ ये सॉन्ग ही याद है एंड श्रद्धा को तो मैंने इसमें नोटिस भी नहीं किया था। बट ऑनेस्टली इसके बाद साल 2011 में आई फिल्म लव का दी एंड में श्रद्धा को देखकर मैंने पहली बार श्रद्धा को गूगल पे सर्च किया। ये फिल्म मैंने टीवी पे देखी थी और श्रद्धा मुझे इसमें काफी क्यूट लगी। ये मूवी वाई फिल्म्स बैनर की पहली फिल्म थी जो कि यश राज फिल्म्स की ही एक सब्सिडरी कंपनी है। ये 2006 में आई एक अमेरिकन फिल्म जॉन टकर मस्ट डाय और 2009 में आई एक फिल्म वाइल्ड चेरी पे बेस्ड है। इनफैक्ट इस फिल्म में फेमस टीवी एक्ट्रेस जन्नत जुबैर भी एज ए चाइल्ड एक्टर काम कर चुकी हैं। 8.5 करोड़ में बनी ये फिल्म 7.92 करोड़ की कलेक्शन करके फ्लॉप हो गई। इस फिल्म के साथ श्रद्धा ने यश राज फिल्म्स के साथ 3 फिल्म्स डील साइन की थी जिसके बाद उनकी अगली फिल्म औरंगजेब होने वाली थी। बट श्रद्धा ने यश राज फिल्म्स के साथ हुए अपने 3 फिल्म्स कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करते हुए विशेष फिल्म्स के साथ एक फिल्म साइन की आशिकी 2। और 2013 में आई इस फिल्म की सक्सेस से आदित्य रॉय कपूर और श्रद्धा कपूर के करियर को एक ब्रेक थ्रू मिला। So look at them very, very closely because they're not going to be easily accessible, the stars of tomorrow. तू ही है मुझको बता दे, चाहूं मैं आना। वो खाने लायक नहीं रहे। आ गया बावलट। कौन? पता नहीं, दारू पी के गाड़ी चला रहा था। मरते मरते बची हूँ मैं। इस फिल्म को मैं थिएटर में देखने गया था बट फिल्म के एक्टर्स के लिए नहीं बल्कि फिल्म के डायरेक्टर मोहित सूरी के लिए। मोहित सूरी का फैन मैं अवारापन और मर्डर 2 जैसी फिल्म्स देख के बना था और दूसरा रीजन था इस फिल्म के म्यूजिक को थिएटर में एक्सपीरियंस करना। तू ही है किनारा तेरा, तू ही तो सहारा तेरा, तू ही है परानगर, जहां को तो रब का है, हमें तेरा है सहारा। खता की होती है कोई, क्योंकि तुम अब तुम ही हो। इनफैक्ट इसी फिल्म के सॉन्ग तुम ही हो ने अरिजीत सिंह को उनका पहला फिल्म फेयर अवार्ड दिलाया था। तेरे लिए ही जिया मैं, खुद को जो ओ, खुद से है या खुदा से। इस फिल्म के सॉन्ग मिलने हैं मुझसे आई की ट्यून को जीत गांगुली ने अपने एक ओल्ड बंगाली कॉम्पोजिशन मोहन हरिये बेगोरे से यूज किया था। मोहन हरिये बेगोरे, टूटा हुआ साज हूँ मैं खुद से ही, घूरा फिरे घूम मेरे भीतरे जगह छेरा। 18 करोड़ में बनी ये फिल्म 109 करोड़ की कलेक्शन करके सुपरहिट रही। और तो और इस फिल्म के बाद आरोही नाम इतना फेमस हुआ कि इस नाम की फेक फेसबुक प्रोफाइल्स भी बनना स्टार्ट हो गई। इस फिल्म का सीक्वल आशिकी 3 भी अनाउंस हो चुका है जिसमें कार्तिक आर्यन लीड रोल में नजर आएंगे। जहर जिंदगी का पी लेंगे हम। फिर उसी साल रिलीज हुई इमरान खान और करीना कपूर की एक फिल्म गोरी तेरे प्यार में जिसमें श्रद्धा कपूर ने कैमियो किया। सोच लो श्रीराम, सोच लो, अगर तुम्हें फिर भी मुझसे शादी करनी है, मैं तो यही बैठी हूँ। फिर ईयर 2014 में आई मोहित सूरी की डायरेक्ट की हुई एक्शन थ्रिलर फिल्म एक विलन। इस फिल्म का म्यूजिक भी काफी पॉपुलर रहा जिसके गलियां सॉन्ग के लिए अंकित तिवारी को बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। तेरी गलियां गलियां।
इस सॉन्ग का अनप्लग्ड वर्जन खुद श्रद्धा कपूर ने गाया है एंड सिंस चाइल्डहुड वो सिंगिंग की ट्रेनिंग लिया करती थी क्योंकि श्रद्धा के मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स क्लासिकल सिंगर्स हैं एंड श्रद्धा कपूर लता मंगेशकर जी की ग्रेट नीज भी हैं। यही डूबे दिन मेरे। और इस फिल्म में रितेश देशमुख की एक्टिंग ने तो भाई साहब फुल जस्टिफाई किया था फिल्म के टाइटल एक विलन को, और ये पहली बार था जब रितेश ने किसी फिल्म में नेगेटिव रोल प्ले किया हो। मैं अधूरा जी रहा। ये फिल्म 2010 में आई साउथ कोरियन फिल्म आई सॉ द डेविल से प्लेजराइज की गई है। और तो और भाई इसमें KRK का एक छोटा सा रोल भी है। मैडम He is 2 rupees people. 39 करोड़ में बनी इस फिल्म ने 170 करोड़ की वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की। फिर उसी साल आई एक क्राइम थ्रिलर फिल्म हैदर में भी श्रद्धा ने शाहिद कपूर के साथ काम किया। I have loved you more than my life. Loved नहीं, loved. V or D soft. बोलो. Loved. Loved. Kicked. Kicked. Plucked. Plucked. Sucked. Sucked. Bastard. इस फिल्म में भी श्रद्धा के रोल की काफी तारीफ हुई, पर जो साइड हमें शाहिद का इस फिल्म में देखने को मिला वो कुछ अलग ही था। इस फिल्म के बारे में मैंने डिटेल में शाहिद कपूर के एवोल्यूशन वीडियो में बात की है। 35 करोड़ में बनी ये फिल्म 53 करोड़ की कलेक्शन करके बॉक्स ऑफिस पर एवरेज साबित हुई। इसके बाद आई इमरान हाशमी की मल्टी स्टारर फिल्म उंगली के एक सॉन्ग डांस बसंती में श्रद्धा कपूर ने स्पेशल अपीयरेंस दिया। ईयर 2015 में आई डांस फिल्म ABCD2 में श्रद्धा ने वरुण धवन के साथ काम किया। इस फिल्म की प्रोडक्शन वॉल्ट डिज्नी पिक्चर्स के अंडर की गई थी। इस मूवी के लिए श्रद्धा ने प्रभु देवा और एमओ डिसूजा से डिफरेंट जॉनर्स ऑफ डांस फॉर्म्स की ट्रेनिंग ली। फिफ्टी करोड़ में बनी ये फिल्म 167 करोड़ की कलेक्शन करके हिट रही। इसके बाद ईयर 2016 में आई फिल्म बागी में श्रद्धा ने टाइगर श्रॉफ के साथ काम किया। टाइगर और श्रद्धा दोनों अमेरिकन स्कूल ऑफ बॉम्बे में साथ में स्टडी कर चुके हैं, और एक इंटरव्यू में दोनों ने ये एडमिट किया था कि स्कूल टाइम से ही दोनों के एक दूसरे पे क्रश था, पर दोनों में से किसी ने भी प्रपोज नहीं किया। ये मूवी 2004 में आई प्रभास और त्रिशा की तेलुगु फिल्म वर्षम का हिंदी रीमेक है। इस फिल्म का सॉन्ग सब तेरा अरमान मलिक और श्रद्धा ने मिलके गाया है। मैं तो तेरे ढंग में ढल चुकी हूँ सब तेरा। 37 करोड़ में बनी इस फिल्म ने 127 करोड़ की वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की। फिर उसी साल आई टाइगर श्रॉफ की फिल्म ए फ्लाइंग जट में श्रद्धा ने कैमियो किया। इसके बाद एक श्रद्धा की म्यूजिकल ड्रामा फिल्म रॉक ऑन 2। यार ये मूवी मैं थिएटर में देखने वाला था और कब से इसके रिलीज होने का वेट ही कर रहा था, बट अनफॉर्चुनेटली डीमोनेटाइजेशन की वजह से नहीं देख पाया। ये मूवी डीमोनेटाइजेशन के 3 दिन बाद 11 नवंबर 2016 को रिलीज हुई थी, जिसका असर फिल्म के बिजनेस पे भी पड़ा। 45 करोड़ में बनी ये फिल्म 15.70 करोड़ की कलेक्शन करके फ्लॉप हो गई। सब ये बोले है ये वक्त का इशारा। इस फिल्म के सभी फीमेल लीड सॉन्ग श्रद्धा कपूर ने ही गाए हैं। ये भी तो कभी ईयर 2017 श्रद्धा के लिए कुछ खास नहीं रहा। इस साल श्रद्धा की 3 फिल्में रिलीज हुई और पहली थी ओके जानू, जिसमें आशिकी 2 का पेयर हमें फिर से देखने को मिला। पर आदित्य रॉय कपूर के साथ आई श्रद्धा की ये फिल्म फ्लॉप हो गई, जिसने 27 करोड़ के बजट के अगेंस्ट 39.23 करोड़ की कलेक्शन की। इसके बाद आई फिल्म हाफ गर्लफ्रेंड में श्रद्धा ने डायरेक्टर मोहित सूरी के साथ तीसरी बार काम किया। तुम मेरे हो इस पल मेरे हो। अर्जुन कपूर के साथ आई श्रद्धा की ये फिल्म 35 करोड़ के बजट के अगेंस्ट 97.7 करोड़ की कलेक्शन करके बॉक्स ऑफिस पर एवरेज साबित हुई। बाय द वे फिल्म का म्यूजिक अच्छा था, जिसमें से एक सॉन्ग श्रद्धा ने भी गाया है। शायद मैं भुला दूं खुद को भी।
इसके बाद एक बायोग्राफिकल क्राइम फिल्म हसीना पार्कर में श्रद्धा ने क्रिमिनल डाउड इब्राहिम की सिस्टर का रोल प्ले किया। इस फिल्म में रैपर डिवाइन का एक सॉन्ग भी है। 18 करोड़ में बनी ये फिल्म 9 करोड़ की कलेक्शन करके फ्लॉप हो गई। ईयर 2018 में आई फिल्म नवाब जादे के एक सॉन्ग हाई रेटेड गबरू में श्रद्धा ने वरुण धवन के साथ स्पेशल अपीयरेंस दिया। फिर आई श्रद्धा की सुपर हिट हॉरर कॉमेडी फिल्म स्त्री। म्यूजिक राजकुमार राव के साथ आई श्रद्धा की ये फिल्म प्रोड्यूसर दिनेश विजान के हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स की पहली फिल्म थी। पिछले काफी टाइम से बॉलीवुड में कोई ढंग की हॉरर फिल्म रिलीज नहीं हुई थी, बस स्त्री में कॉमेडी के साथ साथ हॉरर का एलिमेंट भी काफी सही तरीके से एग्जीक्यूट किया गया था। 14 करोड़ में बनी इस फिल्म ने 180 करोड़ की कलेक्शन की। इस फिल्म का सीक्वल भी आने वाला है, जिसके बारे में मैंने वीडियो के एंड में बात की है। इसके बाद श्रद्धा की शाहिद कपूर के साथ बत्ती गुल मीटर चालू फ्लॉप हो गई। 49 करोड़ में बनी इस फिल्म ने 56 करोड़ की कलेक्शन की। हाँ चली गई बत्ती रेडी होते होते, एक साइड से हुए एक साइड के रह गए भाई। फिर ईयर 2019 में आई एक हाई बजट एक्शन थ्रिलर फिल्म साहो। इस फिल्म में श्रद्धा ने एक्टर प्रभास के साथ काम किया। 350 करोड़ में बनी इस फिल्म ने 439 करोड़ की कलेक्शन की। उसी साल रिलीज हुई श्रद्धा की सुशांत सिंह राजपूत के साथ कॉमेडी ड्रामा फिल्म छिछोरे। ये वन ऑफ दी बेस्ट फिल्म है जिसे मैंने थिएटर में देखा था। और अगर आप उनमें से हो जिसने अब तक ये मूवी नहीं देखी तो ट्रस्ट मी, आप बॉलीवुड में बना एक क्वालिटी कंटेंट मिस कर रहे हो। कॉमेडी के साथ साथ लाइफ और करियर से रिलेटेड बहुत से लेसन सिखाती है ये फिल्म। इस सुपर हिट फिल्म के रिलीज के सिर्फ 10 महीने बाद सुशांत सिंह राजपूत की न्यूज सुनना काफी शॉकिंग और अनबिलीवेबल सा था। इसके बारे में मैं डिटेल में सुशांत पर जल्द ही एक डेडिकेटेड वीडियो बनाकर बात करूंगा। 50 करोड़ में बनी फिल्म छिछोरे ने 215 करोड़ की कलेक्शन की थी। फिर साल 2020 में आई श्रद्धा और वरुण की डांस फिल्म स्ट्रीट डांसर 3D। रेमो डिसूजा की डांस फ्रेंचाइजी की ये फिल्म कुछ खास नहीं चली और 70 करोड़ के बजट के अगेंस्ट 102 करोड़ की कलेक्शन करके फ्लॉप हो गई। बट फिल्म का म्यूजिक काफी पॉपुलर रहा। फिर उसी साल आई श्रद्धा कपूर, टाइगर श्रॉफ और रितेश देशमुख की एक्शन थ्रिलर फिल्म बागी 3। इस फिल्म के एक्शन सीक्वेंसेस और एक्टर्स की परफॉर्मेंस को लेके काफी पॉजिटिव रिव्यूज मिले, बट फिल्म की राइटिंग और डायरेक्शन को काफी क्रिटिसाइज किया गया। 85 करोड़ में बनी ये फिल्म 137 करोड़ की कलेक्शन करके सेमी हिट रही। बट मूवी के सॉन्ग में मुझे श्रद्धा काफी हॉट लगती है। ईयर 2021 में कोविड अवेयरनेस से रिलेटेड एक म्यूजिक वीडियो हम हिंदुस्तानी में श्रद्धा ने काम किया। इसके बाद ईयर 2021 में श्रद्धा और भुवन बाम का किल चोरी सॉन्ग रिलीज हुआ। और अभी रिसेंटली 2022 में आई फिल्म भेड़िया के एक सॉन्ग में श्रद्धा का स्पेशल अपीयरेंस था। ऑनेस्टली लोग इस सॉन्ग में वरुण और कृति से ज्यादा श्रद्धा के बारे में बात करते हैं। एंड इसी साल 8 मार्च 2023 को श्रद्धा और रणबीर की साथ में पहली फिल्म तो झूठ ही मैं मक्कार रिलीज होने वाली है। ये एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है जिसे प्यार का पंचनामा सीरीज के डायरेक्टर लव रंजन ने डायरेक्ट किया है। और भाई श्रद्धा क्या लग रही है इस फिल्म में। इस फिल्म में स्टैंड अप कॉमेडियन अनुभव सिंह बस्सी अपना एक्टिंग डेब्यू करने वाले हैं। इसी के साथ श्रद्धा कपूर की अपकमिंग मूवीज की बात करूं तो बहुत जल्द हमें श्रद्धा कपूर इच्छाधारी नागिन के रोल में देखने को मिलेंगी। प्रोड्यूसर निखिल द्विवेदी ने ये कन्फर्म कर दिया है कि वो श्रद्धा कपूर के साथ एक हाई बजट ट्रायलॉजी फिल्म नागिन पे काम कर रहे हैं जिसे विशाल फ्यूरिया डायरेक्ट करेंगे। एक्ट्रेस रीना रॉय, रेखा और श्रीदेवी के बाद अब श्रद्धा कपूर न्यू जनरेशन नागिन के लुक में नजर आएंगी। इसी के साथ दिनेश विजान के हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स की अपकमिंग फिल्म स्त्री 2 में भी श्रद्धा कपूर और राजकुमार राव फिर से साथ में नजर आएंगे। इस फिल्म की शूटिंग मार्च 2023 में शुरू होगी। इसके अलावा अप्रैल 2021 को टी सीरीज ने श्रद्धा कपूर की अपकमिंग फिल्म चालबाज इन लंदन को अनाउंस किया था। इस फिल्म को अहमद खान डायरेक्ट करेंगे जिसमें श्रद्धा पहली बार डुअल रोल में नजर आएंगी। फिलहाल ये फिल्म अभी होल्ड पे है। मोर ओवर ईयर 2017 में एक न्यूज आई थी कि सुशांत और श्रद्धा साथ में एक साइंस फिक्शन फिल्म चंदा मामा दूर के में काम करने वाले हैं। बट फिर 2018 में सुशांत ने खुद रिवील किया था कि वो इस फिल्म में काम नहीं कर रहे बल्कि वो खुद की एक स्पेस फिल्म बनाना चाहते हैं। इसके अलावा 2016 में एक और रूमर आया था कि श्रद्धा कपूर, फवाद खान और सूरज पंचोली साथ में धड़कन के सीक्वल धड़कन 2 में काम करेंगे। फिलहाल इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड कोई भी ऑफिशियल अपडेट अभी तक नहीं आया है। एंड गाइज, अभी रिसेंटली मैं अपनी सीक्रेट फ्रेंड के साथ पठान देखने गया था। वैसे मूवी तो काफी सही थी, मजा आया और हमने 25,000 सब्सक्राइबर्स पार कर दिए हैं, उसके लिए थैंक यू सो मच।
और 1,00,000 सब्सक्राइबर्स होते ही मैं चैनल पे लाइव आके अपना फेस रिवील करूंगा और मोस्ट प्रोबेबली लाइव आके इस मोहतरमा से भी मिलवाऊंगा बिकॉज शी इज ऑल्सो यूट्यूबर। और यार YouTube ने मुझे बताया कि आप में से 98% व्यूअर्स ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, प्लीज कर दो यार एंड आई विल मेक श्योर अब से हर वीक एक वीडियो जरूर लाऊंगा और सबकी पेंडिंग रिक्वेस्ट भी जल्दी पूरी करूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।